यो व्हाट्स अप गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल। तो गाइस आ चुके हैं कोई न्यू वीडियो के साथ वापस, और आज के इस वीडियो के अंदर गाइस हम मड मैप के अंदर तबाही मचाने वाले हैं, बिकॉज मड मैप के अंदर काफी सारे नए ऑप्शन ऐड हो चुके हैं। जैसे गाइस अपने एआई के गियर अप डाउन करने का ऑप्शन, एआई की पावर बढ़ाने का ऑप्शन, साथ ही गाइस यहाँ पे हम जब ट्रैक्टर को स्विच करते थे उसको स्विच करने का एक ऑप्शन अच्छा हो गया, चेन अच्छे से ऐड हो रही है सभी व्हीकल्स के अंदर। तो इतने सारे ऑप्शन ऐड हो चुके हैं और लिटरली गाइस अभी तक मैंने गेम को ओपन करके नहीं देखा है कैसे क्या सीन रहने वाला है। अभी हमें गेम डेवलपर ने जो बताया उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि ये ऑप्शन गेम के अंदर आए हैं। अब हम गेम के अंदर जाने वाले हैं और जाकर देखने वाले हैं कि कैसे क्या सीन रहने वाला है। गाइस काफी ज्यादा मजा आएगा, आप है ना दो ट्रैक्टर से एक साथ फार्मिंग कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन भी आ चुका है, तो उसको भी देखेंगे साथ। गाइस अपने मड मैप के अंदर अपने एआई ट्रैक्टर की पावर टेस्टिंग करने वाला है, पावर बढ़ाने का ऑप्शन आ चुका है तो उसकी पावर टेस्टिंग भी हम करने वाले हैं, तो काफी ज्यादा मजा आएगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखते रहना, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी गाइस बिना टाइम वेस्ट किए सीधा गेम के अंदर चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ चुका हूँ अपने गेम के अंदर और आप देख सकते हो गाइस पहले तो हमें मड मैप के अंदर ट्रैक्टर स्पॉन होते थे लेकिन आज खेत के अंदर स्पॉन हो रहे हैं। उसका कारण है कि गाइस यहाँ पे हम फार्मिंग कर सकते हैं दो ट्रैक्टर से एक साथ। यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइस यहाँ पे मैंने करी भी थी थोड़ी बहुत गाइस गेम को टेस्ट करने के लिए, बिकॉज मैं आपको क्या ही बताता अगर मैं इसको टेस्ट नहीं करता तो, इसलिए गाइस मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ा। मैंने ज़्यादा छेड़खानी नहीं करी है, बस थोड़ा सा इसको टेस्ट करके देखा है कि कैसे रहने वाले अपने फार्मिंग सिस्टम। बाकी गाइस कुछ इस प्रकार की है अपना फार्मिंग सिस्टम। सबसे पहले आपको ऊपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन ऐड हो चुका है ट्रैक्टर स्विच करने का, आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ा ऑप्शन ऐड हो चुका है, पहले छोटा सा था जिससे गाइस यहाँ पे टच भी नहीं होता था तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे स्विच नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे बड़ा ऑप्शन ऐड हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी की साइड में हमें गाइस यहाँ पे चेन जोड़ने का और चेन लगाने का ऑप्शन, मतलब चेन ऑन ऑफ का ऑप्शन देखने को मिलता है। चेन यहाँ पे ब्लॉक है मतलब उसको हटाना है, ऑन कर सकते हो, ऐसा सीन है गाइस यहाँ पे, समझ रहे हो ना। उसके नीचे है एआई ऑफ, मतलब एआई की जो पावर है उसको ऑन करना है या नहीं करना है, जैसे मैं एआई पे क्लिक करूंगा ऑन हो जाएगा, वो जाने लग जाएगा। अब गाइस मेरे को उसको रोकना पड़ेगा वरना वो नहीं रुकने वाला है भाई साहब, ये देखो अभी जाता ही रहेगा लेकिन रुकेगा नहीं। तो गाइस यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिलता है, इनका तो आपको बारे में पता है, लेकिन यहाँ पे अभी दो नए ऑप्शन ऐड हुए हैं, वो है ये अपना एआई पावर साथ ही एआई का गियर सिस्टम। अब गाइस इसके अंदर दो चीज़ ऐड हुई है, एआई पावर का मतलब है कि हाई पावर पे चलेगा, लो पावर पे चलेगा या मीडियम पावर पे चलेगा, अब उसकी तो कोई हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका जो नीचे वाला ऑप्शन है ना वो सबसे ज़्यादा काम करने वाला है। तो गाइस सबसे पहले क्या करता हूँ मैं कल्टीवेटर ले लेता हूँ दोनों के अंदर। गाइस कल्टीवेटर लेने का एक फ़ायदा रहेगा अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर मैंने कल्टीवेटर ले लिया, अब मैं उसके अंदर भी जल्दी से यहाँ पे कल्टीवेटर ले लेता हूँ। यहाँ पे कल्टीवेटर लेने के बाद अबे जल्दी कर भाई क्या कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसके अंदर भी कल्टीवेटर ले लिया, अब दोनों के अंदर मेरे पास कल्टीवेटर आ चुका है। अब गाइस यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जो एआई गियर आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है ना इसमें मैं क्लिक करूंगा, तो गाइस जैसे मैं नीचे वाले पे क्लिक करूंगा इसमें लिखा है एआई गियर कॉपी प्लेयर, इसका मतलब है कि जैसे जैसे मेरा ट्रैक्टर चलेगा उसी हिसाब से आगे ये दूसरा वाला एआई ट्रैक्टर चलेगा। वो कैसे चलेगा मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एआई को ऑन करूंगा और अपने ट्रैक्टर की पावर बढ़ाऊंगा तो भाई साहब वो चल जाएगा, अगर मैं इसको रोक दूंगा तो वो भी रुक जाएगा। आप देख सकते हो एआई ऑन है लेकिन मैंने रोक दिया अपना ट्रैक्टर तो वो भी रुक जाएगा, अब मैं वापस इसकी पावर चलाऊंगा और वो चलेगा। गाइस देख सकते हो अब जैसे मेरा ट्रैक्टर चलेगा उसी हिसाब से वो चलेगा, और जैसे मैं कंट्रोल करूंगा इसको, जैसे जैसे मैं घुमाऊंगा वैसे वैसे वही ट्रैक्टर घूमेगा, मतलब एआई जो पावर ट्रैक्टर है वो मेरी इस वाले ट्रैक्टर की पूरी कॉपी करने वाला है। समझ गए गाइस आप सिस्टम क्या सीन है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको घुमाया तो उस ट्रैक्टर ने भी वापस यहाँ पे टर्न ले लिया है और वो भी घूम चुका है। अब ये वाला सिस्टम है गाइस इसके अंदर देख सकते हो कुछ इस प्रकार का सीन है ये, अभी देख सकते हो यहाँ पे मतलब हम दो ट्रैक्टर से फार्मिंग कर पाएंगे अपने खेतों के अंदर। आप देख सकते हो हमें इसको ज़्यादा घूम गया है तो उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है वो आराम से चलने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है गाइस यहाँ पे, ऐसा कुछ सीन है गाइस फार्मिंग के अंदर। तो आप फार्मिंग वगैरह कर सकते हो, आप देख सकते हो मैं यहाँ पे फिर से इसको घुमा लेता हूँ एक बार, आप देख सकते हो गाइस कुछ इस प्रकार से। अब गाइस वो वाला ट्रैक्टर भी यहाँ पे घूम चुका है और यहाँ पे ये वाला भी घूम चुका है, ऐसा कुछ सीन है गाइस यहाँ पे आप दो ट्रैक्टर से एक साथ फार्मिंग कर सकते हो। कुल मिलाकर यही सीन रहने वाला है कि आप दो ट्रैक्टर से एक साथ फार्मिंग करने का ऑप्शन भी आपको मिल चुका है। और गाइस यहाँ पे गियर अप डाउन गियर एआई पावर जो है इसका तो गाइस अभी तक इतना कोई मतलब खास यूज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपका इसको भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले गाइस अब चलेंगे मड मैप के अंदर, तो मैं लिफ्ट अप कर लेता हूँ दोनों ट्रैक्टर की और अब चलते हैं सीधा मड मैप के अंदर। मड मैप के अंदर गाइस इसकी थोड़ी सी पावर टेस्टिंग करने वाला है कि क्या सीन रहने वाला है इसकी।
और गाइस मैंने आपको एक ऑप्शन तो बताना ही भूल गया यार, मैं रुक जाऊँ वापस फार्मिंग के अंदर चलते हैं हम एक बार। गाइस मैं इसको एक बार फिर से फार्मिंग के अंदर लेके चलते हैं, इसको यहीं पे खड़ा कर देते हैं। और गाइस यहाँ पे खड़ा करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ असली पावर। अभी गाइस ये वाला ट्रैक्टर ऑफ है, इसको एक बार मैं इधर है ना इसको वहाँ पे लेके आता हूँ घुमा के। मैं एक बार इसको मैं AI को ऑफ कर देता हूँ और उस वाले ट्रैक्टर को यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, उसके बाद मैं आपको तगड़ा सिस्टम दिखाने वाला हूँ। अभी गाइस आप देख सकते हो AI ऑफ है और मैं पहले AI को ऑन नहीं करूँगा, पहले मैं यहाँ पे सेटिंग सिस्टम करने वाला हूँ। अभी आप गियर के अंदर देख सकते हो AI गियर फ्रंट। अब गाइस जैसे मैं AI को ऑन करूँगा मेरा जो ट्रैक्टर है वो अपने आप आगे जाएगा। जैसे देख सकते हो मैंने AI को ऑन किया, अब वो अपने आप आगे जा रहा है। लेकिन मैं इसमें वापस क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा AI गियर बैक, मतलब इसको आप AI ट्रैक्टर को आगे पीछे भी कर सकते हो। आप देख सकते हो मैं इसको फिर से करता हूँ। अब ये गाइस यहाँ पे हो चुका है कॉपी सेटिंग, मतलब जैसे आप तो इस बार अब मैं चलाऊंगा वैसे वो चलेगा, लेकिन मैं इसको आगे करूंगा तो वो आगे चलने लग जाएगा। कुछ इस प्रकार का सीन भी गेम के अंदर ऐड हो चुका है जो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आप देख सकते हो इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी गाइस गेम खेलने में अब यार तबाही सीन होने वाला है। कॉपी सेटिंग कर लिया हूँ गाइस, अब मैं इस ट्रैक्टर को भी वापस लेके चलता हूँ, क्योंकि गाइस हमें मड वेव के अंदर थोड़ी सी इसकी पावर टेस्टिंग करनी है। क्योंकि गाइस देखते हैं पावर के अंदर इस गियर का क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को तो लग नहीं रहा कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन देखते हैं गाइस क्या सीन रहने वाला है। बाकी तो भाई साहब अपना ट्रैक्टर यहाँ पे घमासान तरीके से फंस चुका है और अपना दूसरा वाला ट्रैक्टर तो भाई किधर ही नशे कर रहा है। एक बार मैं AI को ऑफ कर देता हूँ और इस ट्रैक्टर को भी वहाँ पे लेके चलता हूँ। आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैंने दोनों ट्रैक्टर को मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ और ये इस वाले ट्रैक्टर को गाइस यहाँ पे मैं यहीं पे खड़ा कर देता हूँ और उस वाले ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पे मैं स्विफ्ट हो जाता हूँ और उस वाले ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पे मैं करने वाला हूँ कि मतलब जो सीन रहेगा कि मैं यहाँ पे ट्रॉली कनेक्ट करूँगा और ट्रॉली को निकाल के देखूँगा कि वो खुद से निकल पाता है या नहीं निकल पाता। देखते गाइस कितनी पावर इसके अंदर आई है। अभी आप देख सकते हो हाई गियर के अंदर है, पावर बिल्कुल हाई लगा रखी है मैंने और अभी तो काफ़ी ज़्यादा सही परफॉर्मेंस दिखा पा रहा है, लेकिन अब पता चलेगा इसकी परफॉर्मेंस कितनी है। अभी गाइस यहाँ पे मैंने इसके अंदर फन मोड नहीं लगाया है जिससे कि यहाँ पे पावर इंक्रीज हो जाए, अभी मैं वो भी लगाने वाला हूँ। अभी इस गियर के अंदर तो नहीं चढ़ रहा है, इस बार मैं थोड़ा सा लो करता हूँ। मीडियम करने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला और लो करने के बाद भी इसके अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। मतलब मैंने कहा था ना इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, हल्का पुनका फर्क पड़ता है बस, ज़्यादा फर्क थोड़ी पड़ेगा यार। अपने मड मैप के अंदर फ्रंट टोचन का क्या ही मतलब रह जाएगा जब ट्रैक्टर खुद से ही निकल जाएगा, समझ लो ना। इसलिए गाइस थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे फन मोड भी एक्टिवेट कर दिया है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ओके तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे 4x4 कर देता हूँ। 4x4 करने के बाद क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा गाइस, क्योंकि यार अपनी बिग ट्रॉली मजाक थोड़ी है भाई, मजाक। कोई बात नहीं गाइस, अब अपने ट्रैक्टर को यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं, अपन कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब गाइस मैं उसको ऑन कर देता हूँ और उसको मैं यहाँ पे हाई पे करके इसको यहाँ पे फ्रंट की ओर लगा दिया हूँ और अब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अब जाएंगे हम टोचन करने। सबसे पहले मैं यहाँ पे कल्टीवेटर को हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कल्टीवेटर को हटाना जरूरी रहेगा। और यहाँ पे मैं अब जॉन डियर लेने वाला हूँ, माई फेवरेट ट्रैक्टर। आपका कौन सा फेवरेट ट्रैक्टर है गाइस, एक बार मेरे को कमेंट में बताना। मेरा तो जॉन डियर इसके अंदर सबसे ज़्यादा फेवरेट ट्रैक्टर है भाई साहब। तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया है और आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे चेन ओ ब्लॉक और यहाँ पे क्या ऑफ करने का ऑप्शन है, पता नहीं किस प्रकार से है, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस यहाँ पे मैंने लगा दिया है पावर दोनों ट्रैक्टर का और यहाँ पे कॉपी माई सेटिंग, मतलब वो वाला ट्रैक्टर भी मेरी कॉपी करेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखते गाइस अब निकल पाता या नहीं निकल पाता, अभी भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है गाइस यहाँ पे सेटिंग के अंदर करने से भी। अभी भी उसी प्रकार से गाइस यहाँ पे ट्रैक्टर का फ्रंट टोचन हो रहा है और वो ट्रैक्टर फंस चुका है, निकल नहीं रहा है। अब क्या करेंगे गाइस, हम लगाएंगे पीछे से पावर और देखेंगे कि गाइस क्या निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। आगे से तो नहीं निकलेगा गाइस यहाँ पे, लेकिन एक बार उधर से लगा के देखते हैं। इसको आगे फ्रंट पे सिलेक्ट कर देता हूँ मैं और इसको पीछे से मैं यहाँ पे पावर देता हूँ ताकि गाइस यहाँ पे ये निकल जाए, तो क्या पता। इसको एक बार बैक में देखे देखिए क्या पावर गाइस बैक में दे रखी है मैंने एक बार पावर, बैक में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। यहाँ पे मैं फ्रंट में ही ठीक है भाई, मैं यहाँ पे पीछे से इसको पावर देता हूँ ताकि गाइस ये आगे निकल पाए और बाहर आ जाए। बाकी गाइस यहाँ पे जितने भी ऑप्शन ऐड हुए ना मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे। तो यार गाइस अभी अपना फ्रंट टोचन तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बाहर तो नहीं निकाल पाए जॉन डियर ट्रैक्टर को, लेकिन कोई बात नहीं गाइस यार मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा। और गाइस ये कुछ नए ऑप्शन ऐड हुआ है अपने मड मैप के अंदर और गाइस आपको पता है मड मैप का न्यू वाला अपडेट भी आने वाला है, अपने मंथ का एंड आ चुका है और इस मंथ के एंड तक आपको बोला था कि गेम का न्यू अपडेट आ जाएगा, तो शायद आ ही जाएगा गाइस क्योंकि मंथ का एंड
और अपडेट की डेट दोनों एक ही थी, तो अपडेट का आ जाएगा गाइस, अपडेट का सीन है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, अपडेट इसी तारीख आना है तो इसी मंथ के एंड तक आ जाएगा। और बाकी गाइस मैंने अपने सेकंड चैनल पे न्यू वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर किसी ने नहीं देखा तो जाकर देखो, सपोर्ट दिखाओ, उसमें भी काफ़ी धमाकेदार कॉन्टेंट आने वाला है यार, सपोर्ट दिखाओ यार उस चैनल पर, ऐसे मत करो यार, सपोर्ट वपोर्ट दिखाओ थोड़ा सा, और सब्सक्राइब करो यार, आपके भाई का तो चैनल है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार कंटेंट डालेंगे। बाकी गाइस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी गाइस ब्रेड एमएस की वीडियो को एंड करते हैं।